सब्सक्राइब कीजिए एसएन चौधरी के इस चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट पेंटिंग्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के क्लास में हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे, फाइन आर्ट्स पेंटिंग का सिलेबस। तो जिसका सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है थ्योरी। थ्योरी पेपर जो होता है वो रिटन वर्क होता है। इसमें जो आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, यानी इंडियन आर्ट के बारे में पढ़ना है, जिसकी हिस्ट्री है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहला चैप्टर क्या है, इसमें दो चैप्टर है, द राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल के बारे में पढ़ना है जो मिनिएचर पेंटिंग है। दूसरा जो है वो पढ़ना है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल, इसमें भी दो चैप्टर है, द मुगल यानी मुगल स्कूल मिनिएचर पेंटिंग और डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, दो हो गए। दोनों के दोनों चैप्टर क्या है, मिनिएचर के बारे में ही पढ़ना है। तीसरा जो है वो है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इसमें क्या है, बंगाल स्कूल पेंटिंग जो था उसके बारे में चर्चा किया गया है, तो बंगाल स्कूल हो गया। दूसरा मॉडर्न ट्रेंड्स, इसमें बहुत सारा जो मॉडर्न आर्ट समझ रहे हैं आप लोग, या मॉडर्न आर्ट का जो दौर है जो शुरू हुआ उसके बारे में बताया गया है। इसमें पेंटिंग भी है, ग्राफिक भी है और स्कल्पचर भी है, यानी इसमें तीन चीज़ पढ़ना है मॉडर्न ट्रेंड्स में। और बंगाल स्कूल जो है सिर्फ पेंटिंग है, यानी 1, 2 और 3 तीनों का मार्क्स इक्वल है। तीन चैप्टर है, तीनों का मार्क्स इक्वल है, 10, 10, 10, यानी 30 मार्क्स का ये पेपर होगा थ्योरी आपका। दूसरा जो पार्ट्स है इसका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल में भी वही हालत है या वही कहानी है, 1, 2 और 3 यानी तीन भाग में डिवाइड किया गया प्रैक्टिकल को। तो पहला जो भाग है नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, पहला क्या भाग है, नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी। नेचर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, प्रकृति होता है, प्रकृति में जो चीज़ फूल पत्ती वगैरह हो गया उसके बारे में स्टडी करना है आपको। दूसरा ऑब्जेक्ट स्टडी यानी स्टिल लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है ना, जैसे बर्तन वगैरह हो गया, डेस्क टेबल हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, ये सब जो बनाइएगा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट स्टडी, इसको स्टिल लाइफ ही बोलते हैं। दूसरा जो चैप्टर है पेंटिंग कंपोजिशन, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, पेंटिंग जो बनाते हैं आप डेली लाइफ हो गया ना, जैसे बर्तन धोने वाला हो गया, दूध वाला हो गया, गुब्बारे वाला हो गया, बच्चा खेल रहा है, बहुत सारा जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को जब अरेंज करते हैं क्या कहलाता है, वो कंपोजिशन। ओवरऑल इंप्रेशन क्या कहलाएगा, वो कंपोजिशन, वो हो गया। ये दोनों का 25 और 25 मार्क्स है। तीसरा जो है असाइनमेंट है, ये साल भर जो बच्चा या स्टूडेंट जो बनाता है ड्राइंग टीचर के साथ मिलकर या घर से, वो जो वर्क होता है उसका एक फाइल तैयार होता है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं या प्रोजेक्ट जो भी कहिए इसको, वो आपका 20 मार्क्स का होगा, यानी 25, 25 एंड 20, ये हो जाएगा 70 का, ये हो जाएगा 30 का। इस प्रकार से बनाइए। इस बार कोरोना के कारण कुछ सिलेबस में थ्योरी में कुछ चैप्टर में से कुछ पार्ट्स हटाया गया है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। आप मेरा वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जानकारी मिलता रहे। थैंक यू।